कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना में इस्तेमाल होने वाली सभी दवाइयों और ऑक्सीजन और जरूरी उपकरणों की कालाबाजारी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी कर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। इसी कड़ी में नॉर्थ दिल्ली जिले के DCP एंटो अल्फोंस के निर्देशन में जिले के स्पेशल स्टाफ और ATS के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ऑक्सीजन सिलेंडर को महंगे दामों पर लोगों को बेच रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 170 ऑक्सीजन सिलेंडर, एक ओडी और एक मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां भी बरामद की हैं। आरोपियों के पास से बरामद ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत बाजार में लगभग 2 करोड़ के करीब बताई जा रही है। आरोपी एक ऑक्सीजन सिलेंडर को 90,000 से 1 लाख रुपए तक की कीमत में बेच रहे थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम हिमांशु खुराना, पवन मित्तल और आयुष बतलाए हैं, जो कि दिल्ली के ही अलग अलग इलाकों के रहने वाले थे। नॉर्थ दिल्ली जिले के DCP एंटो अल्फोंस ने बताया कि कोरोना कालाबाजारी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस लगातार काम कर रही है और बीते एक सप्ताह में पुलिस के द्वारा ब्लैक मार्केटिंग करने वाले काफी लोग पकड़े जा चुके हैं। 27 अप्रैल को एक ट्वीट हमारे सामने आया था, उसमें DCP नॉर्थ दिल्ली के बारे में इसने अटैक किया हुआ था। उसी ट्वीट में कुछ खबर था, ऐसे कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। उसके मुताबिक हमारा टीम लगाया था, 2 टीम लगे हुए थे और ये टीम आगे इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते थे और एक पवन मित्तल को अप्रहेंड किया। उसके बाद बाकी तीनों लोग अप्रहेंड किया। ये टोटल 4 लोग उन्हीं से लगभग 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मशीन्स बरामद हुई। ई ग्रुप का मेन काम है यही है, दैट ये इम्पोर्टेंट जो अभी फिलहाल बहुत जरूरत पड़ रही है COVID-19 इलाज के लिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन को एक काफी महंगा बेस्ट है। ये लगभग अराउंड एक मशीन को लगभग 1 लाख और 1 लाख 10 लाख 10,000 के आसपास बेचते हैं।